आम इंतखाबात की तारीख तय करने के लिए सदर मुमलिकत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आज या कल मुलाकात की दावा। सदर के खत के मतन के मुताबिक 9 अगस्त को वज़ीर आज़म के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील किया। सदर मुमलिकत आइन के तहत आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तहलील की तारीख के 90 दिन में इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने के पाबंद। इलेक्शन कमीशन को सदर मुमलिकत का खत मौसूल। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कल 10:30 बजे अहम इजलास बुला लिया। सदर मुमलिकत से मुलाकात करने या ना करने के बारे में हतमी फैसला किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ वकील के कत्ल की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस जमाल मदुखेल भी बेंच में शामिल हैं। गुज़िश्ता समाअत जस्टिस यहया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करने और शामिल तफ्तीश करने पर रोक दिया। इस्लामाबाद में बारिश से गर्मी और हब्स की छुट्टी, मौसम खुशगवार। अबरे 12 से शहरियों के चेहरे खिल उठे। शहरी लुत्फ उठाने घरों से निकल आए। गहरे बादलों की ओट से बरसती रिमझिम से मौसम हसीन। महकमा मौसमियात के अगले चंद रोज तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई।